नमस्कार दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन इतिहास में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। 18th जनवरी 1670 ऑन दिस डे हेनरी मॉर्गन कैप्चर्ड पनामा। आज ही के दिन हेनरी मॉर्गन ने पनामा पर कब्जा किया था। 18th जनवरी 1778 ऑन दिस डे जेम्स कुक बिकेम फर्स्ट यूरोपियन हु डिस्कवर्ड द हवाई आर्किपेलागो। आज ही के दिन हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाले जेम्स कुक पहले यूरोपियन बने थे। 18th जनवरी 1866 ऑन दिस डे वेस्ले कॉलेज वाज फाउंडेड इन मेलबर्न। आज ही के दिन मेलबर्न में वेस्ले कॉलेज की स्थापना हुई थी। 18th जनवरी 1896 ऑन दिस डे द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरे मशीन वाज डन। आज ही के दिन एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया था। 18th जनवरी 1919 On this day, Bentley Motors Limited, a British company that created the luxury vehicle, was established. आज ही के दिन आलीशान गाड़ियां बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी Bentley Motors Limited की स्थापना हुई थी। 18th January 1951. On this day, the lie detector machine was used for the first time in the Netherlands. आज ही के दिन झूठ पकड़ने वाली मशीन का नीदरलैंड में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। 18th जनवरी 1954 ऑन दिस डे फनफानी हैड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन इटली। आज ही के दिन इटली में फनफानी ने सरकार का गठन किया था। 18th जनवरी 1962 ऑन दिस डे द यूनाइटेड स्टेट्स डिड अ न्यूक्लियर टेस्ट इन नेवादा। आज ही के दिन अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 18th जनवरी 1991 ऑन दिस डे एस्टर्न एयरलाइंस वॉज क्लोज्ड फॉर इकोनॉमिक रीजंस। आज ही के दिन ईस्टर्न एयरलाइंस को आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया था। 18th जनवरी 1995 ऑन दिस डे yahoo.com डोमेन वाज क्रिएटेड। आज ही के दिन yahoo.com डोमेन बनाया गया था। 18th जनवरी 1997 ऑन दिस डे नफीसा जोजफ बिकेम मिस इंडिया। आज ही के दिन नफीसा जोजफ मिस इंडिया बनी थी। 18th जनवरी 2002 ऑन दिस डे सिविल वॉर एंडेड इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्री सियेरा लियोन। आज ही के दिन पश्चिम अफ्रीकी देश सियेरा लियोन में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। 18th जनवरी 2003 ऑन दिस डे लीबिया वाज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आज ही के दिन लीबिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था। 18th जनवरी 2006 ऑन दिस डे द डेथ पेनल्टी वाज स्टैम्प्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आज ही के दिन इच्छा मृत्यु पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। 18th जनवरी 2009 On this day, Bengal Cricket Association honored Sourav Ganguly with a gold bat. आज ही के दिन बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सौरव गांगुली को सोने के बैट से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा।